प्रवासी मजदूर छे परेशान आदित्य बिरला। ग्रासिम ना परप्रांतीय कामदारों ने पगार नहीं मरता मीडिया समक्ष ठालवी व्यथा। वागरा बिलायत जीआईडीसी में आदित्य बिरला ग्रासिम कंपनी में काम करता कामदारों ने कंपनी पगार नहीं चुकवता कामदारों माथे हवे देवानो वारो आव्यो छे। कोरोना संकट करता पण मोटू संकट कामदारों पर आवी पड्यु छे। लॉकडाउन में बचत ना नाणा खर्चाई चूक्या छे तो कंपनी तरफ से एप्रिल महीना पगार चूकवायो नथी जेथी मजूरों में रोष जोवा मळी रह्यो छे। त्रीजा चरण लॉकडाउन अमलीकरण दरमियान उद्योगों ने शरतों ने आधीन खोलवानी मंजूरी आपी। साथ ही वडाप्रधान मोदीए पण भाषण में श्रमिकों तेमज गरीब वर्ग मजूरों ने मानवता की दृष्टि वेतन नहीं कापवानी अपील करी थी। तेम छता पण कोई ये मान्यु नहीं अने कंपनी ना सत्ताधीशो तेमज कॉन्ट्राक्टरो हजू सुधी वेतन नहीं चूकवता कामदारों भारे मुसीबत नो सामनो करी रह्या छे। कामदारों ने खावाना फाफा पड़ी रह्या छे। कंपनी सत्ताधीशो द्वारा पगार नी तत्काल रूपे चुकवणी करवामां आवे तेवी मांग करवामां आवी छे। कंपनी ना परप्रांतीय कामदारों द्वारा हवे जोवानुं रहे छे कि परप्रांतीय कामदारों पगार कापवामां आवे छे कि आपवामां आवे छे। जयप्रकाश मिश्रा मेरा नाम है। आदित्य बिरला में हम काम करते हैं। अभी तक अप्रैल का और इस महीने का पैसा नहीं मिला है। तारासन कंट्रेक्टर से हैं हम लोग और यहाँ प्रॉब्लम है रहने के लिए भी खाना के लिए प्रॉब्लम है। अभी तक कुछ सोल्यूशन नहीं हुआ है। नरेंद्र मोदी की तरफ से दिया गया है कि सब वर्कर को पैसा दिया जाए लेकिन अभी तक आदित्य बिरला नहीं किया है। हम लोगों को पैसा कुछ भी नहीं दिया है। और यहाँ पे कितने बंदे फंसे हुए हैं? यहाँ पर 350 बंदे हैं। ये इलाका सब, हाँ सब इलाका का यही ताराचंद में 350 वर्कर है। सर आदित्य बिरला में हम लोग जॉब करते हैं। कॉन्ट्रेक्टर का नाम है ताराचंद। ठीक है, हम लोगों का अप्रैल का पेमेंट रुका हुआ है। अब हम लोग का साथ 500 रुपया साप्ताहिक खुराकी मिलता है, उसमें खाने का समस्या होता है और हम लोग के साथ भूख और दुख दोनों है। इसलिए हम लोग तो कोरोना से बच जाएंगे लेकिन भूख से मर जाएंगे। हम सबसे मैं झारखंड सरकार श्री हेमंत सोरेन जी से मैं आग्रह करता हूं कि हम लोगों को अपना राज्य तक पहुंचाने का प्रयास करें। मेरा नाम हुआ बालेश्वर यादव, प्रखंड हुआ सागमा और ग्राम पंचायत बिरबल भी है। हम लोग गुजरात में वागरा गांव में फंसे हुए हैं, भरूच जिला में। लगभग हम लोग गढ़वा जिला के आदमी 250 से 300 के लमसम में हैं। तो हम यह आग्रह करेंगे कि हमारी झारखंड सरकार हम लोग को अपना राज्य तक पहुंचावे। और मैं आदरणीय श्री प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी जी से मैं आग्रह करता हूं कि गृह मंत्री श्री अमित शाह जी से कि हम लोगों का यह छूट दिया जाए। अब हम लोग का जैसे व्यवस्था बनता है या ट्रेन का व्यवस्था हो या परिवहन बस का व्यवस्था हो वह अपना व्यवस्था से घर पहुँचाने का प्रयास करें। करते हैं हम लोग के सरकार भी नहीं कंपनी दे रहा है, हम लोग खेला भी ना भूखे मर रहे हैं। कंपनी में से आपको कुछ खाने के लिए दिया नहीं है? कुछ नहीं सर मिला, कुछ नहीं मिल रहा। और कॉन्ट्रैक्टर क्या बोल रहा है? कुछ नहीं बोल रहा, देने के लिए कुछ बोलिए नहीं रहा। पर आप लोग हम लोग क्या व्यवस्था करें, लॉकडाउन चल रहा है, भूखे सो रहे, एक बेड खाओ, एक दिन खाओ खाली। तो क्या आपको खाने का नहीं मिल रहा है? इधर कुछ भी नहीं मिल रहा सर, पानी नहीं मिला तो खाना की व्यवस्था सोच रहे हैं। पानी तो अभी हैंडपंप है। तो आपको यहाँ के लोग यहाँ के प्रशासन से क्या मांगे? प्रशासन से बोले तो प्रशासन का हम जाके व्यवस्था करेंगे, कंपनी से बात करेंगे तब मिलेगा आपको। कौन से गांव से हो? झारखंड से, गढ़वा जिला झारखंड। कंपनी कौन सी कंपनी है वो आप कंपनी कौन सी है? बिरला कोपर, बिरला कोपर में हम ड्यूटी करते थे। ताराचंद्र मेरा कंपनी है सर। मेरा नाम संतोष साहू है, मैं छत्तीसगढ़ से हूँ। मैं गुजरात में फंसा हुआ हूँ और यहाँ पास खाने पीने से लेकर दिक्कत हो रही है। मैं यहाँ कॉन्ट्रेक्टर ताराचंद में काम करता हूँ, बिला आदित्य। और यहाँ पास खाना पीना तक बहुत दिक्कत हो रही है और यहाँ पानी भी खरीदा जा रहा है 20 रुपए, जिसमें कि खाना पीने का कुछ पैसा रुपया नहीं मिल रहा है। कहाँ पे फंसे हो आप? मैं गुजरात में फंसा हूँ। गुजरात के कौन से जिले, कौन से तालुके पे? भरूच जिला में हूँ। भरूच जिला में कौन से गांव में? वागरा। और आपकी क्या मांग है प्रशासन से यहाँ से? मेरी मांग है सर कि मेरे को घर पहुँचाया जाए और पेमेंट के लिए सर दिया जाए और खाने पीने का दिक्कत है, इसके लिए आवश्यक है सर। कंपनी में से आपको कुछ दिया नहीं है खाने के लिए? कुछ भी नहीं मिल रहा है, यहाँ तक पानी तक पीना पी रहा है खरीद कर, आदमी कहाँ से पाएगा?
आदमी अपना गांव नहीं है कि खरीद कर कहीं से मांग के काम चला लेगा। यहाँ बहुत परेशानी है। हमारी ये मांग है कि हमारे पूर्ण रूप से खान पीन के लिए व्यवस्था दिया जाए। और हम मैं अपना मुख्यमंत्री भूपेश बघेल से मैं अनुरोध करता हूँ कि मैं गुजरात फंसा हूँ, मुझे घर बुलाया जाए और अच्छी तरह से घर पहुँच जाऊँ, मेरे ही मांग है।